मौसम की बात करें तो आपको फिलहाल ठंड से पूरी राहत नहीं मिलने वाली। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दिन में खिली धूप रहने के बावजूद भी इस ठंडक से राहत नहीं मिल रही। सर्द हवाओं के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और घने कोहरे से भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि आज कोहरा तो नहीं रहेगा, लेकिन शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में धूप खिलेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। वहीं दिल्ली में जहां दिन भर खिली धूप से लोगों को ठंड से राहत मिली, तो वहीं शाम होते होते सर्द हवाओं ने उन्हें परेशान कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। ये हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से आएंगी, जो बर्फबारी वाले क्षेत्रों की गलन भी साथ लाएंगी। इसके चलते दिल्ली के मौसम में अभी भी सर्दी बनी रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक बना रह सकता है। उधर उत्तराखंड में बर्फबारी अभी भी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान काफी नीचे गिर गया। पहाड़ की चोटियां बर्फ से सफेद हो गईं। बर्फबारी होने से अब पर्यटक भी यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मसूरी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीली हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से सुबह और शाम कड़ाके की ठंड रहने के आसार हैं। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।